बड़ा हुआ था तो राम ने कहा था लखन, ये रावण बड़ा बलशाली था, बड़ा विद्वान है, रावण जैसा कोई ज्ञानी, रावण जैसा कोई विद्वान संसार में न हुआ और न भविष्य में होगा। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान संसार से जा रहा है, कुछ नीति शास्त्र की बातें इससे सीख लो। तो लक्ष्मण रावण के पास में गए और रावण से कहा, रावण भैया तुम तो जा रहे हो, जिंदगी में कुछ काम आने वाली बातें हमें बताते जाइए, कुछ नीति शास्त्र के बारे में हमें ज्ञान बता दीजिए, क्योंकि आप विद्वान हैं। तो रावण ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं है जो कि तुम्हें हम नीति शास्त्र की बातें बता सकें, दो बातें अवश्य बताऊंगा। क्या? तो जवाब दिया था रावण ने लक्ष्मण से, लक्ष्मण कि सोचा था मैंने जीवन में स्वर्ग तक सीढ़ी लग पाऊंगा, रावण बोला सोचा था हमने जीवन में स्वर्ग तक सीढ़ी लगवाऊंगा, ये भी सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, रावण ने कहा था मैंने ये सोचा था कि स्वर्ग के बारे में लोग चर्चा करते हैं तो मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां लगवा दूंगा, लंका में क्षीर सागर लेके आऊंगा, अग्नि जलेगी लेकिन धुआं नहीं निकलने दूंगा, लेकिन मैं आज कल करता रहा। समझा के जवाब दिया था रावण ने कि आज कल करते करते वो हमारा प्रण पूरा हो न सका और मेरे मन की भावना मन में रह गई, आज मैं दुनिया से जा रहा हूं। इसलिए केवल दो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं कि कोई शुभ काम करना है तो जितनी जल्दी हो सके उसे कर डालना चाहिए और अशुभ काम को जितना टाला जाए उतना उसे टालते रहना चाहिए। ये रावण ने कहा था तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और इसी के साथ साथ सभी भक्तगण एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद में भगवान की कथा आगे सुनेंगे।